सोलन के ओजघाट में अंगीठी की गैस लगने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई तो दूसरा उसका साथी अभी भी अचेत अवस्था में अस्पताल में उपचाराधीन है। मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों व्यक्ति सिलीगुड़ी से सोलन में काम की तलाश में आए थे और पंचायत ओजघाट में वो खेती का काम कर रहे थे, जहां पर वो एक कमरे में रहते थे और ठंड से बचने के लिए उन्होंने रात को अंगीठी जलाई थी और भूलवश कमरा अंदर से बंद कर दिया और जब वह सुबह काम पर नहीं आए तो मकान मालिक ने पुलिस को बुलाया और दरवाजा तोड़कर अंदर का मंजर देखा तो होश फाकता हो गए, क्योंकि एक व्यक्ति मौके पर गैस लगने से दम तोड़ चुका था और दूसरा अचेत लेटा हुआ था। दोनों की आयु करीबन 55 वर्ष बताई जा रही है, इन जिनके परिजनों को भी इस घटना के बारे में सूचित कर दिया गया है। गांव के प्रधान वेद प्रकाश ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि रात को दोनों व्यक्ति अपने कमरे में सोने गए थे और ठंड से बचने के लिए उन्होंने अंगीठी कमरे में रख ली थी। जब वह सुबह अपने घर से बाहर नहीं निकले तो उन्हें इसकी सूचना मिली। दरवाजा तोड़कर देखा तो एक व्यक्ति मृत पाया तो दूसरा व्यक्ति बेहोश था, जिसे एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल लाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उसमें मुझे सुबह फोन किया गया, राजेश शर्मा द्वारा फोन किया गया, जिसके पास दो लोग जो कार्य करते थे घर में, और उनको कहीं शाम को उन्होंने आग बाहर जलाई और शाम रात को उन्होंने गिट्टी को अपने कमरे में रख दिया, जिससे उन्हें रात को गैस लग गई। और सुबह वो 7:30 बजे चाय पीने के लिए आते थे और सुबह जब चाय पीने नहीं आए हो तो राजेश शर्मा जी खुद उनको उठाने गए, देखा तो वहाँ पे बेहोश की हालत में पड़े हुए थे, जिसमें एक ऐसा लग रहा था कि एक तो बिल्कुल डेड हो गया था और एक में थोड़ी कुछ मूवमेंट हो रही थी। तो तुरंत 108 को फोन किया गया और उन्हें सोलन लाया गया, जहाँ डॉक्टर ने एक को तो मृत घोषित कर दिया और एक हॉस्पिटल में एडमिट पाया कर दिया गया।